नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल ट्यूब नॉलेज। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हाउ टू रिमूव माय जियो अकाउंट। दोस्तों जियो एप्लीकेशन ने एक ऐसा फीचर दिया है कि जिससे आप अपने जो फैमिली मेंबर हैं उनके जो जियो नंबर हैं उनको अपने माय जियो एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हैं और उनकी जो कॉल हिस्ट्री है, डाटा यूज है और जो SMS है उनकी हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं। और जो कॉल हिस्ट्री है वो तो आप 1 ईयर की भी देख सकते हैं, जो 1 साल पीछे आपने किन किन से कॉल की वो भी आप उस एप्लीकेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसका काफ़ी मिसयूज होने लगा है। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जो फ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स, उनकी भी जो कॉल हिस्ट्री है वो चेक करने के लिए बिना उनको बताए उनका जो नंबर है, जियो नंबर है, उनको अपनी माय जियो एप्लीकेशन में एक्सेस कर रहे हैं और उनकी जो प्राइवेट जो डाटा है उसको लीक कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये एक इलीगल काम है, लेकिन जब जियो ने ये जो फीचर है वो अवेलेबल करवाया तब उसको रिमूव करवाने का कोई फीचर नहीं दिया। इससे काफ़ी लोगों को परेशानी हुई और कई कई जो सीधे साधे लोग हैं उनको तो पता ही नहीं था कि उनका जो जियो नंबर है वो किसी ने एक्सेस कर रखा है और उसकी जो कॉल हिस्ट्री है वो चेक कर रहे हैं, तो काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे थे। दोस्तों इस परेशानी से निपटने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये प्रॉपरली बताया था कि अगर आपका जो जियो अकाउंट है यानी कि जो जियो नंबर है उसको किसी ने एक्सेस कर रखा है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ये भी पता कर सकते हैं कि किसने आपका जो जियो नंबर है उसको अपनी माई जियो एप्लीकेशन में एक्सेस कर रखा है। मैंने प्रॉपरली वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपका जो जियो नंबर है किसी ने एक्सेस कर रखा है और आपकी जो कॉल हिस्ट्री है वो चेक कर रहा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर आप क्लिक कीजिए और वो वीडियो देखकर आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है, जियो अकाउंट है, उसको किसी ने एक्सेस कर रखा है कि नहीं, और अगर कर रखा है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। पूरा मैंने वहाँ पर प्रॉपरली बताया हुआ है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसमें जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें कुछ कमेंट्स आए थे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, लेकिन जो कुछ कमेंट्स हैं उनमें बहुत से लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, उन्हीं के बारे में, उनके सॉल्यूशन के लिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है। तो दोस्तों जो कौन कौन से वो कमेंट थे, कौन कौन सी वो प्रॉब्लम थी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे देखने को लग रहा है वो है कि सर अगर जो हमारा जियो अकाउंट है हमने उसको रिमूव कर दिया वहाँ से, लेकिन फिर भी वो एक्सेस कर पा रहे हैं यानी कि वहाँ से रिमूव नहीं हुआ। तो इसका आंसर दोस्तों ये है कि अगर आपने जैसा मैंने बताया था उस तरीके से अपना जो जियो नंबर है उसको रिमूव कर दिया है माई जियो ऐप से, तो दोस्तों वो आपकी जो डाटा है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दोस्तों जब आपने जिस टाइम से उसको रिमूव किया है उसके बाद से जिसने आपका अकाउंट एक्सेस कर रखा था उसको जो डिटेल्स हैं वो जाना बंद हो गई हैं, लेकिन जो पहले जा चुकी हैं और जो जियो है, जो उसकी माई जियो ऐप है उसमें वो डाटा उतनी ही दिखाई देंगी जितनी पहले उसने एक्सेस कर रखी थी, वो चेक कर रहा था। जब से आपने रिमूव किया है उसके बाद में कोई भी डाटा नहीं जाएगी। और दोस्तों जैसे ही वो जिसने आपकी जियो अकाउंट या जियो नंबर को एक्सेस कर रखा था वो अपनी एप्लीकेशन से एक बार लॉग आउट हो जाएगा तो वो भी डाटा उससे चला जाएगा। तो दोस्तों इसका तो एक सिंपल से है, अगर आपने रिमूव कर दिया है तो वो आपका जो जियो अकाउंट है उसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। और दोस्तों आपको पता तो चल ही गया होगा कि किसने जो आपका जियो नंबर है वो एक्सेस कर रखा था, क्योंकि वहां पर दोस्तों विथ नेम आपको पता चल जाता है कि इस बंदे ने जो हमारा जियो नंबर है वो एक्सेस कर रखा था और कॉल हिस्ट्री चेक कर रहा था। तो ऐसे में उसकी दोबारा से ये हिम्मत भी नहीं होगी कि वो आपका जियो अकाउंट एक्सेस कर पाए। और दोस्तों दूसरी जो प्रॉब्लम यहाँ पर कमेंट्स में बताई गई थी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके द्वारा, वो थी कि हमने अकाउंट तो रिमूव कर दिया है लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो उसका दोस्तों वही आंसर है जो मैंने अभी बताया था कि आपको पता चले कि नहीं चले, बस आपको आपकी जो माई जियो एप्लीकेशन है उसमें अगर स्टेटस है वहाँ पर आपको जो एक्सेस नहीं दिखा रहा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो अकाउंट है वो उसकी माई जियो ऐप से रिमूव हो चुका है, आप बेफिक्र रह सकते हैं और आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो मोस्ट क्वेश्चन है वो है कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि वो दोबारा से हमारा जो अकाउंट है उसको एक्सेस न कर पाए। तो दोस्तों सिंपल सा है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल में जो भी OTP आए हैं वो शेयर ना करें। दोस्तों बिना OTP के आपका जो नंबर है वो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, और आप चेक भी कर सकते हैं, आप समय समय पर ये चेक करते रहिए कि आपका जो अकाउंट है वो किसी ने एक्सेस तो नहीं कर रखा है।
आप महीने दो महीने से चेक कर लीजिए कि आपका जो अकाउंट है वो किसी ने एक्सेस तो नहीं किया है, या फिर आपको लगे कि हाँ आज OTP आया था वो किसी ने एक्सेस कर लिया, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर हो तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम थी, दो या तीन प्रॉब्लम थी, उनको बारे में मैंने बता दिया है कि आप अगर प्रॉपरली जैसा मैंने इस वीडियो में बताया था उस तरीके से आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर रखा है किसी ने और उसको रिमूव कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बेफिक्र 200% आप श्योर हो जाइए कि अब आपका जियो नंबर कोई भी एक्सेस नहीं कर रहा है और आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से आपको जो लिंक मिलेगा उसके द्वारा आप देख सकते हैं कि आपका जो जियो नंबर है अगर किसी ने एक्सेस कर रखा है तो आपको उसको रिमूव कैसे करना है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप उसको रिमूव कर दीजिए और जो अपनी प्राइवेसी है उसको लीक होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाकर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए।